आईपीएल 2024 में दोस्तों तीन टीमों को बहुत बड़ा झटका लग सकता है। वो तीन टीम कौन कौन से हैं? केकेआर, लखनऊ सुपर जायंट्स और हैदराबाद। क्यों दोस्तों लग सकता है? क्योंकि ये तीन खिलाड़ी जो है, एक ही देश के तीन खिलाड़ी जो है, वो पूरे आईपीएल 2024 में आपको खेलते हुए दिखाई नहीं देंगे। अब जो ये तीन खिलाड़ी कौन कौन से हैं और कौन कौन सी टीम को झटका लग सकता है, सारा इस चीज वीडियो में हम लोग डिस्कशन करेंगे। जैसा कि जान रहे हैं दोस्तों, वो खिलाड़ी जो है अपने देश की नहीं, वो दूसरे बाहरी देश के खिलाड़ी हैं। और इस वो तीन टीम कौन कौन से, उसके बारे में अगर बात की जाए तो पहला नाम आता है दोस्तों केकेआर का। केकेआर की तरफ से दोस्तों मुजीबुर रहमान, जिसको जो इस साल जो है केकेआर ने जो है 2 करोड़ में अपनी टीम में शामिल किया है, वो जो है पूरा आईपीएल आपको खेलते हुए दिखाई नहीं देंगे। फिर उसके बाद दोस्तों उसी के देश से, यानी मुजीबुर रहमान के ही देश से दूसरे खिलाड़ी हैं नबीबुल हक, जिनको दोस्तों लखनऊ सुपर जायंट्स ने अपनी टीम में रिटर्न किया था, वो भी आपको पूरे आईपीएल सीजन में खेलते हुए दिखाई नहीं देंगे। और तीसरे खिलाड़ी दोस्तों फजल फारूकी हैं, जिसको दोस्तों हैदराबाद ने रिटर्न किया था, वो भी आपको पूरे आईपीएल में खेलते हुए दिखाई नहीं देंगे। और ये तीन खिलाड़ी जो है वो अपने यानी एक ही देश से आते हैं, जिनका नाम है अफगानिस्तान। सो ये क्या मसला है, क्या सारा चीज़ डिस्कशन हम लोग कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों ये अफगानिस्तानी खिलाड़ी हैं, और आपको बता दोस्तों जो इनको जो है NOC यानी कि नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट होता है। अगर जिस खिलाड़ी को यह मिलता है वो जो जाकर बाहर जाके PCL या BBL या IPL जैसे लीग खेल सकते हैं, तो अगर उनको ये NOC सर्टिफिकेट मिलता है तब वो, तो इन तीनों खिलाड़ियों को यानी फजल फारूकी और क्या बोलते हैं मुजीबुर रहमान और क्या बोलते हैं तीसरे खिलाड़ी को ना नबीबुल हक, तो ये तीन खिलाड़ियों ने जो है उनको यह नहीं दिया गया। क्यों नहीं दिया गया दोस्तों? क्योंकि उन्होंने जो है पहले जो है सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट पर साइन नहीं किया। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट क्या है वो ये है दोस्तों कि आप जो है नेशनल ड्यूटी को ज़्यादा पहले प्राथमिकता दें, यानी फर्स्ट प्रायोरिटी जो है अपना नेशनल ड्यूटी माने और सेकेंड प्रायोरिटी जो है आप फ्रेंचाइजी लीग को माने। बट दोस्तों उन्होंने क्या किया कि इस चीज़ यानी नेशनल कॉन्ट्रैक्ट जो होता है, या फिर कहा जाए तो वार्षिक केंद्र कॉन्ट्रैक्ट, यानी कहा जाए तो पर ईयर बाय, यानी 1 जनवरी 2024 को जो है एक तरीके का सर्टिफिकेट होता है, उन पर साइन कराना पड़ता है कि आप जो है ज़्यादा प्राथमिकता जो है हमारे देश यानी कि अपने देश की खेलेंगे, और फ्रेंचाइज टीमों को जो है आप कम प्राथमिकता देंगे या फिर कहा जाए तो सेकेंड प्रायोरिटी देंगे। तो फजल फारूकी या फिर कहा जाए मुजीबुर रहमान और क्या बोलते हैं नबीबुल हक ने जो है उस तरीके कॉन्ट्रैक्ट पर साइन नहीं किया, या फिर बोले जाए तो उनसे इनकार कर दिया, जिस कारण से बोर्ड को गुस्सा आया। उसने सोचा कि जब आप अपने देश को ज़्यादा प्रायोरिटी नहीं देंगे तो हम आपको क्यों प्रायोरिटी दें, जिस कारण से उन्होंने जो है NOC देने से मना कर दिया, यानी कि नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट देने से मना कर दिया, जिस कारण से दोस्तों ये सब खिलाड़ी जो है भारत में आकर IPL 2024 नहीं खेल सकते। दोस्तों ये पूरी कहानी है, जिस कारण से दोस्तों ACB बोर्ड ने दोस्तों अपने ऑफिशियल अकाउंट ट्विटर पर दोस्तों ये पूरी जानकारी दी है कि वो जो है तीनों खिलाड़ियों का नाम लिया है कि उनको जो है सर्टिफिकेट नहीं दिया जाएगा। क्यों दोस्तों? उन्होंने जो है अपने देश यानी कि नेशनल ड्यूटी को जो है नेशनल क्रिकेट को जो है मतलब अपने फायदे के लिए जो है व्यावसायिक क्रिकेट लीगों में खेलते हैं, यानी जो जो लीग होता है उसमें खेलते हैं, उन्हीं को ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं, जिसके चलते वह केंद्र कॉन्ट्रैक्ट से मुक्त होना चाहते हैं, यानी वो मुक्त भी होना चाहते थे और इसलिए उस पर साइन नहीं किया। और अफगानिस्तान के नेशनल क्रिकेट बोर्ड ने कहा है कि इस खिलाड़ियों को इस कदम यानी इस खिलाड़ियों के इस कदम को देखते हुए उनके खिलाफ कड़े एक्शन उठाना जरूरी था, जिस कारण से उन्होंने जो है यह सोचा कि चलो हम लोग जो है अफगानिस्तान बोर्ड को जो है मतलब अफगानिस्तान बोर्ड के द्वारा दिया गया सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट पर साइन नहीं करते हैं, जिस कारण से दोस्तों हमारा जो है मतलब अपने देश से पूरी तरीके से नेशनल ड्यूटी से छुट्टी मिल जाएगी और पूरी तरीके से हम जो है इस तरीके की लीग खेलते रहेंगे, जस्ट लाइक BBL PCL इन जितना ऑलमोस्ट फ्रेंचाइजी लीग होता है उसको खेलते रहेंगे, यही जो है ये तीनों खिलाड़ियों ने सोचा। पर उस उन पे जो है पूरी तरीके से पानी फेर दिया ACB बोर्ड ने कि आप जो है ऐसा सोचेंगे तो आप कर नहीं पाएंगे, जिस कारण दोस्तों ऐसा लगता है कि कोलकाता नाइट राइडर्स ने जो 2 करोड़ का पैसा खर्चा किया इस चीज़ पे यानी मुजीबुर रहमान पे, वो सारा बेकार चला जाएगा, प्लस लखनऊ सुपर जायंट्स को भी झटका लगेगा, प्लस हैदराबाद को भी झटका लग सकता है। तो ये तीन खिलाड़ी ऐसे थे कि जो शायद इन तीनों टीम को अगर साथ देते तो शायद इनकी किस्मत भी बदल सकते हैं। तो आइए अभी IPL 2024 शुरू हुआ भी नहीं कि इन तीनों टीमों को झटका भी लग गया, तो देखते हैं आगे और क्या क्या न्यूज़ आती है। दोस्तों ऐसा आखिर क्यों होता, इस चीज़ पर डिस्कशन किया जाए, आखिर ऐसा क्यों किया जाता है, क्योंकि दोस्तों उनकी जो टीमें फिलहाल जो हमारे देश यानी कि हमारे देश में तो IPL हो रहा था, IPL का टर्न ओवर यानी कमाई बहुत ज़्यादा है ऑलमोस्ट सभी लीगों से, और लीग में बहुत ज़्यादा पैसा कमाए होता है, और अफगानिस्तान बोर्ड उतना शायद मेरे अकॉर्डिंग दोस्तों क्रिकेट में उतना अमीर है नहीं अफगानिस्तान बोर्ड, जिस कारण से उनके देश खेल
लोग या उनके देश के प्लेयर चाहते हैं कि शायद हम जो है इस बोर्ड के झंझट से हट जाएं और पूरी तरीके से जो है इस तरीके की BBL PCL IPL जैसे लीग को खेलें जिससे हमें ज़्यादा पैसा मिले। क्यों दोस्तों, 2 करोड़ में खरीदा गया, 2 करोड़ में शायद वहाँ उनको नहीं खरीदा जाता होगा या उनका सैलरी उनको उतना नहीं मिलता होगा, जिस कारण दोस्तों उन्होंने यही डिसीजन लेने का प्रयास किया। ऐसा इस देश में नहीं है कहानी दोस्तों, क्योंकि न्यूजीलैंड के ट्रेंट बोल्ट ने भी दोस्तों यही कदम उठाया कि उसने भी जो है अपने नेशनल ड्यूटी या फिर कहा जाए तो देश में होने वाली लीगों से छुटकारा पाकर जो है उसने भी सोचा कि चलो हम लोग भी जो इसी तरीके का लीग खेलकर जो ज़्यादा पैसा कमाते हैं। वहीं दोस्तों फाफ डु प्लेसी ने भी यही डिसीजन लिया, जिस कारण दोस्तों उसने जो है शायद नेशनल ड्यूटी यानी कहा जाए तो साउथ अफ्रीका टीम से संन्यास भी ले लिया अपने देश से और इस तरह के लीग ही वो खेला करते हैं और ज़्यादा पैसा कमाया करते हैं। तो यही सभी खिलाड़ी यानी सभी देश के खिलाड़ी यही डिसीजन लेते और यही काम भी करते और ज़्यादा पैसा भी कमाते हैं, क्योंकि दोस्तों आप जान ही रहे कि कैमरून गिल को 19 करोड़ शायद उनके अफगानिस्तान टीम में नहीं दिया जा सकता उतना पैसा, बट उनको इसमें ही पैसा मिलेगा। मैं दोस्तों अगर राशिद खान को माना जाए, अगर राशिद खान अपनी टीम को छोड़ दे जाहिर सी बात है कि वो सबसे महंगे बिकेंगे IPL ऑक्शन में और शायद उतना पैसा उनको जो है शायद अफगानिस्तान बोर्ड दे भी नहीं पाती है। यही कारण होता दोस्तों ये 3 खिलाड़ियों ने यह डिसीजन लिया कि चलो हम अपनी बोर्ड को छोड़कर अपने बोर्ड के वार्षिक कॉन्ट्रैक्ट को नहीं साइन कर जो है इस तरह की लीग में अपना ध्यान लगाएं। बट दोस्तों क्या किया अफगानिस्तान ने गुस्सा होकर कि उन तीनों को जो है खेलने से मनाही कर दिया, बोला जाए तो बैन भी लगा दिया 2 साल के लिए। सो शायद अब हो सकता है कि 2 साल जो है वो तीनों खेलते हुए आपको दिखाई नहीं दे किस पे इस तरह की लीगों में। तो ये इस तरह के डिसीजन से दोस्तों बहुत बड़ा झटका लग गया किसको, KKR को, पंजाब को नहीं हैदराबाद को और लखनऊ सुपर जायंट्स को। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक क्लिप बाय।